मौलाना साद 20 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार है। मरकज निजामुद्दीन के बारे में उसकी रिपोर्टिंग, उसको रिपोर्टिंग ही करनी होती है, उसके अलावा कोई काम ही नहीं उसका। हर रोज दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस का एक ऑफिसर, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ऑफिसर हर रोज मरकज से लिस्ट लेके जाता है, जिसकी अदालत में ना ही कोई गवाह आता है ना ही कोई वकील रहता है, अगर कोई रहता है तो ये है अर्नब गोस्वामी, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा जज बना हुआ है। गुरुद्वारे में 200 से लोग ज़्यादा वहाँ पर मौजूद थे, तो क्यों नहीं पूछा इस अर्नब ने, ये पूछता है भारत। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में, मैं हूँ शकील बागमरे। आज फिर से निजामुद्दीन मरकज सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि मौलाना साद साहब फरार हो चुके हैं, उन पर जब एफआईआर किया गया तो वो कल से फरार हो चुके हैं और एक आईडियो की शक्ल में उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन करने की बात भी कही थी, जिस पर मीडिया वाले हर तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई उन्हें काहिर कह रहा है तो कोई उन्हें भगोड़ा तक कह रहा है, इस तरह गंदे अल्फाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी पर निज़ामुद्दीन मरकज के लीगल एडवाइज़र जनाब एमएस खान आगे आते हुए उन्होंने एक वीडियो वायरल किया है, जो आज सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है। हम भी आपसे कहेंगे कि आप उस वीडियो को देखिए, जो स्क्रीन पर, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो स्क्रीन में दिखाएं। मैं निज़ामुद्दीन मरकज का लीगल एडवाइज़र होने के नाते, एमएस खान एडवोकेट, आपके सामने कुछ चीज़ें जो रख रहा हूँ, जो चीज़ें मीडिया के सामने नहीं आई हैं या देश के सामने नहीं आई हैं। पहली बात तो ये है कि हम पे इल्ज़ाम ये है कि हमने छिपाया है कि मरकज में कितने लोग थे और हमने उसकी पोजीशन बताई नहीं सरकार को, अजूबी पोजीशन। बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस का एक ऑफिसर और इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ऑफिसर, उसकी बकायदे ड्यूटी है, वो डिप्यूटी किया गया है सिर्फ मरकज निज़ामुद्दीन के लिए कि मरकज निज़ामुद्दीन की पूरी आपको डिटेल लिस्ट लेके आनी है। मरकज निज़ामुद्दीन के बारे में उसकी रिपोर्टिंग, उसको रिपोर्टिंग ही करनी होती है, उसके अलावा कोई काम ही नहीं उसका। हर रोज दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस का एक ऑफिसर, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक ऑफिसर हर रोज मरकज से लिस्ट लेके जाता है, कितने लोग विदेश से मरकज में आए, कितने लोग विदेशी मरकज से अलग अलग इलाकों में काम करने जमात के साथ गए, जो जमात गई है उसका अमीर कौन है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, सब चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। कितने लोग अलग अलग स्टेटों से आज मरकज में आए, कितने लोग कितनी जमात बना के, उनका ज़िम्मेदार कौन है, वो किस किस इलाके में गई हैं, कहाँ कहाँ गई हैं, उसकी लिस्ट दोनों एजेंसियों को दे दी जाती है। हर रोज़ की रिपोर्टिंग मरकज की सरकार के पास, दिल्ली पुलिस के पास होती है। मरकज में क्या खाना बन रहा है, सब्जी बन रही है, दाल बन रही है, अंडा बन रहा है, मटन बन रहा है, चिकन बन रहा है, क्या बन रहा है, इसकी भी खबर सरकार को, पुलिस को होती है। और हम कोई गलत काम तो करते नहीं है कि हम कुछ उपाय, जो चाहो जहां चाहो देख लो, वहां तो खुली दुनिया है, चाहो तो खाना भी आप खा लो। तो जैसे कि आपने सुना, ये निज़ामुद्दीन मरकज के लीगल एडवाइज़र हैं खान, इनके मुताबिक इन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली की जो लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है वो रोज़ाना आती है मरकज को
और रोज़ाना की रिपोर्ट लेकर चली जाती है। उसी तरह इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी अधिकारी वहां पर आते हैं और रोज़ाना की रिपोर्ट लेकर चले जाते हैं। रोज़ाना की रिपोर्ट यानी कि कितने लोग किस कंट्री से आए, किस राज्य से आए, किस शहर से आए, आने के बाद कितने लोग कहां कहां जमात के काम से चले गए, इस तरह की रिपोर्ट इन्हें दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो को रोज़ाना ये लोग मरकज़ के जानिब से देते हैं, ये एडवोकेट का कहना है। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि मरकज़ में क्या खाना पकाया जाता है उसकी भी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो लेता है। मगर हमें ये समझ में नहीं आता कि जब इतनी रोज़ाना जब खबर पुलिस लेती है तो इन लोगों ने क्यों यहाँ पर फंसे हुए हज़ारों लोगों को निकालने की कोशिश क्यों नहीं की, अगर कोशिश की तो इतनी देर क्यों लगी। ऐसे बहुत से सवाल है मगर स्ट्रीम मीडिया ये पूछना नहीं चाहता, स्ट्रीम मीडिया तो अलग ही पूछ रहा है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ ये भी बात ज़रूरी है, इसी दिल्ली में मजनू का टीला गुरुद्वार है, उस गुरुद्वार में भी 200 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर फंसे हुए थे और उन लोगों को भी वहाँ से निकाला जा रहा है। मैं आपको स्क्रीन में वो भी दिखाना चाहूँगा, तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि स्क्रीन पर दिखाएं। मजनू का टीला, एज वी कम यू कम टू यू लाइव राइट नाउ। मैं मजनू का टीला ही था सुबह। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट क्लेरिफाई यू, दे आर 205 पीपल, 205 लोग हैं, 205 लोगों की बकायदा हम जब आए थे उनके सबके नाम, उनके एड्रेस और उनके मोबाइल नंबर लिए गए। जब वो आए उसी दौरान अगले दिन सुबह ही पंजाब सरकार को ट्वीट करके मैंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को पूरी लिस्ट प्रोवाइड की। ये लिस्ट मैंने पंजाब के ऑफिशियल्स जो हैं, मैं जब एयरपोर्ट पर था मैंने उनको भी लिस्ट प्रोवाइड की और पंजाब के एक मेंबर पार्लियामेंट है उन्होंने भी मेरी इसमें हेल्प की। उन्होंने भी तुरंत पंजाब सरकार के ऑफिसर से बात करके उनको लिस्ट वगैरह व्हाट्सअप की, व्हाट्सअप मेरे पास है 205 लोगों के बकायदा नाम थे। ये इनमें से कोई गुरुद्वारे का ना कोई एम्प्लॉई है ना गुरुद्वारे में संगत के रूप में आया। ये इसमें हिंदू भी हैं, इसमें ईसाई भी हैं, इसमें सिख भी हैं। ये टोटल 205 लोगों में से 117 लोग जो हैं वो हिंदू हैं, इनमें से 27 लोग जो हैं वो ईसाई हैं और 60 के आसपास के लोग जो हैं वो 55 के आसपास के लोग जो हैं वो सिख हैं। ये सारे दिल्ली के अलग अलग इलाकों से पैदल चलकर यहाँ पहुँचे हैं और जैसे ही यहाँ पे पहुँचे सुबह ही हमने आइडेंटिफाई करके सरकार को इसकी जानकारी दी। हमारी तरफ से ना कोई डेथ है। ये कब की बात है, ये कौन सी आप जरा तारीख बताएंगे, ये कब पहुंचे थे एंड व्हेन डिड यू इन्फॉर्म द पंजाब गवर्नमेंट, बिकॉज पल्लवी घोष इज इन टच विद मेंबर्स ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट, सो दैट्स व्हाई आई आस्क पल्लवी टू स्टे बैक। Pallavi, first up, the clarification comes that there are only 205. There are 205 people there, and they belong to multiple communities who have actually taken shelter there. ये कब आए थे? जरा dates बताएंगे, Mr. Sir Sir. 27th को ये लोग आए थे. 27th को इनकी list तैयार की गई. 28th को सुबह मैंने मेरे Twitter handle पे आप जाएंगे तो मैंने Captain Amrinder Singh जी को ये सारी जानकारी उनके Twitter handle पर दी. 27th को ये आए हैं, 28th को दी। 28th को दोपहर को मैंने पंजाब की जो बॉडीज आई थी अफगानिस्तान की एयरपोर्ट पे, मुझे एक मेंबर पार्लियामेंट जो डॉक्टर अमर सिंह जी मिल गए, मैंने उनसे हेल्प मांगी। उन्होंने कहा मैं अभी बात करता हूँ, मेरे को आप डिटेल्स भेजिए। मैंने इमीडिएटली उनको डिटेल्स भेजी एंड ही इमीडिएटली फॉरवर्ड दैट डिटेल्स टू द कंसर्न्ड ऑफिसर्स। यस्टरडे आल्सो आई कॉल्ड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कई लोग मौजूद हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पर कई लोग सोए हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो काफी आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। डिस्टेंस, जो डिस्टेंस बरतने की बात की जा रही है, आप इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पर ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये लोग भी काफी नजदीकियां बनाए हुए हैं। मगर इस वीडियो के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जाता, क्यों? ये हमारा सवाल है। जिस तरह मरकज के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, वहां पर भेड़ बकरियों की तरह लोग आपस में मिले हुए थे, जबकि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं गुरुद्वार में भी कई लोग आपस में आजू बाजू यानी कि बहुत ही करीबी डिस्टेंस बनाकर वहां सोए हुए दिखाई देते हैं। यहां पर भी 200 से भी ज़्यादा लोग मौजूद थे जिन्हें भी
इन्हें भी पुलिस यहां से निकाल चुकी है, मगर जो इल्ज़ाम मरकज पर लगाया जा रही है मीडिया के जानिब से, क्यों वही सवाल वही अल्फाज गुरुद्वारा पर क्यों नहीं कहा जाता। मैं ना ही मरकज की मुखालिफत कर रहा हूँ, ना ही खिलाफत, ना ही मैं गुरुद्वार की मुखालिफत ना खिलाफत। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आपको हकीकत बताएं। हकीकत यह है कि हर तरफ, चाहे वो गुरुद्वार हो या चाहे मदरसे हो चाहे मरकज़ हो, वहाँ पर कुछ ना कुछ लोग तो फंसे हुए हैं, क्योंकि सरकार का भी ये आदेश था लॉकडाउन के बाद जो कहाँ है वहीं रह जाइए, कोई भी बाहर ना निकलिए। उसके बावजूद चाहे वो गुरुद्वार हो या मरकज़ हो, उन जिम्मेदारों ने अपनी बात सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की, मगर सरकार ने इन लोगों को बाहर निकालने में कुछ देरी कर दी, मगर उस पर मीडिया ने इतना बड़ा इसको मवाद बना लिया, इसको जैसे कि ये एक जहाद के तौर पर पेश कर रहे हैं। ये बहुत ही नाइंसाफ़ी मीडिया के द्वारा की जा रही है। यहाँ भी ऐसे अहम मौके पर भी इस मुश्किल के घड़ी में ये लोग, जब लोगों को जुड़ाने का काम करना मीडिया का काम है, मगर यहाँ भी ये लोग हिंदू मुसलमान करने की सियासत कर रहे हैं। आइए मैं आज आपको कैसे एंकर से भी मिलाता हूँ जो इस वक्त निज़ामुद्दीन मरकज पर तूफान बरपा कर रहे हैं। उनके अल्फाजों की का क्या कहना, पहले उनके अल्फाज सुनिए, क्योंकि पूछता है भारत। नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी, आप मेरे साथ देख रहे हैं पूछता है भारत। जिस मौलाना साहब ने 400 लोगों को कोरोना दिया है, जो मौलाना साहब 20 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार है, ये गुनहगार है, ये क्रिमिनल है, वो मौलाना साद अब तक आजाद क्यों है? क्या कर रही है हमारी सरकार जिस मौलाना साद ने 2000 लोगों की जान लेने की साजिश की, और जिस मौलाना ने पूरे हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने की तैयारी और साजिश की, वो मौलाना साद पूछता है भारत अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? जो लोग कह रहे थे कि मौलाना साद 15 करोड़ मुसलमानों का मालिक है, वो कान खोल कर सुन ले, कान खोल कर सुन ले। अरे तुम्हारा मौलाना साद भारत का सबसे नंबर वन कायर है, कहता हूं मैं पूछता है भारत में। तो आपने सुना, ये महाशय आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े जज बने हुए हैं। इनके मुताबिक मौलाना ने 400 लोगों को कोरोना वायरस दिया है, 2000 लोगों की जान लेने की साजिश की है मौलाना ने। उनके मुताबिक मौलाना अब फरार हो चुके हैं, हज़ारों लोगों की जान खतरे में रखकर। एक ऐसा भी जज, ये ऐसा एक जज है जो जिसकी अदालत में ना ही कोई गवाह आता है, ना ही कोई वकील रहता है, अगर कोई रहता है तो ये है अर्नब गोस्वामी, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा जज बना हुआ है। ये सीधे सीधे किसी पर भी इल्ज़ाम लगाता है और कहता है पूछता है भारत, जैसे कि पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों ने इसे अपना रहनुमा बना लिया है, और इसे आगे रखकर ये जनता इससे कहती है कि पूछिए अर्नब। तो ये महाशय हमेशा कहता है कि पूछता है भारत। तो मैं भी इस महाशय से पूछना चाहता हूँ कि जब गुरुद्वार में 200 से लोग ज़्यादा वहाँ पर मौजूद थे, तो क्यों नहीं पूछा इस अर्नब ने, ये पूछता है भारत। जब हज़ारों लोग आज रास्तों पर मौजूद हैं, जो हर राज्य के सरहदों पर आप देख सकते हैं, जो गरीब तबके के, जो रोज़ी रोटी के लिए अपने शहरों को छोड़कर दूसरे राज्यों में आए थे, वो हज़ारों आज रास्तों में रुके हुए हैं, जमे हुए हैं, उस वक्त कहाँ जाता है ये अर्नब, पूछता है भारत। और इसी तरह मैं ये भी कहूँगा, जब जनता कर्फ्यू होता है तो मोदी जी कहते हैं कि 5 बजे के बाद आप तालियां बजाएं, बर्तन बजाएं, उसके बाद कई लोग
हजारों की तादाद में रास्ते में आते हैं तो ये कर्नब कहाँ जाता है, क्यों नहीं सवाल उठाता, पूछता है भारत। और इसी तरह कर्नाटक के सीएम जब एक निजी एक मंत्री की बेटी की शादी में पहुँचते हैं, 5000 से ज़्यादा लोगों की तादाद होती है, लॉकडाउन के मौके पर एक सीएम वहाँ जाते हैं तो ये अर्नब क्यों नहीं सवाल उठाता, पूछता है भारत। जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जब पूजा करने के लिए अयोध्या में जाते हैं अपने काफिले के साथ तो कहाँ गया था ये अर्नब गोस्वामी, पूछता है भारत। ये मीडिया के चंद चाटुकार पत्रकर्ता हैं जो हमेशा जनता के मुद्दों को छोड़कर हिंदू मुसलमानों के मुद्दे ही पसंद करते हैं। इनका मकसद है हिंदू मुसलमानों को बांटना और कुछ नहीं। इनके इन भड़काऊ भाषणों से आप देख सकते हैं एक तबके ने दूसरे तबके पर कैसे निशाना कर रहे हैं। ये है एक ताज़ा वीडियो। जहां मीडिया का काम होता है जनता की परेशानियां हुकूमत तक पहुंचाना और हुकूमतों की स्कीमें जनता तक पहुंचाना और हुकूमत की नाकामियों को सब जनता और हुकूमत को बताना, मगर यहां पर सिर्फ हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। इस अहम घड़ी में भी हमारे चंद चाटुकार पत्रकर्ता हिंदू मुसलमानों की को बांटने की बात कर रहे हैं। क्या ऐसे पत्रकर्ताओं को हमें देखने की ज़रूरत है? क्या हम ऐसे पत्रकर्ताओं को हमें सुनना चाहिए? ये फैसला मैं जनता पर छोड़ता हूँ क्योंकि पूछता है भारत। और जाते जाते मैं ये भी कहूँगा कि जब दिल्ली के सीएम केजरीवाल से जब दिल्ली के दंगों के दौरान ये सवाल पूछा गया था कि जिन लोगों ने दंगे भड़काए, जिन लोगों ने दंगे भड़काने वाले बयान दिए, उनके बयानों के बाद जो दंगे भड़के, आप उन पर FIR दर्ज क्यों नहीं करते, आप उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, तो दिल्ली के श्रीमान सीएम केजरीवाल जी ने कहा था कि मेरे पास दिल्ली की पुलिस नहीं है, इसीलिए मैं FIR दर्ज नहीं कर सकता। मगर आज उसी केजरीवाल सरकार ने जब साद साहब जो दिल्ली के मरकज़ में जो ये घटना हुई है, उस घटनाओं को साद साहब और उनके काफिले को ज़िम्मेदार ठहराते हुए उन पर FIR कर देते हैं। अब सोचना आपको है। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।